46वें जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की उपस्थिति में शुक्रवार देर शाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। इस अवसर पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और ईश्वर से उन्हें दीर्घायु प्रदान करने की कामना की। बंगाना में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना है तथा चीन से विवाद के बाद भारत की सेना ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री देश की रक्षा में तैनात सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर जाकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं। चीन जो आंखें दिखाने का काम करता था, आंखों में आंखें डालकर उसको पूरा जवाब किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी और हमारी भारतीय सेना ने दिया। मेरे भाई और बहनों, ये ताकत है, ये उभरते हुए भारत की ताकत है जो दुनिया मान रही है। लेकिन इस ताकत को और ताकतवर करना है, इस कोरोना महामारी को हराना है, भारत को जिताना है, उसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यही बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता। हाथ धोते रहना, पता नहीं साथ वाला कितना संक्रमित है, कोई पता नहीं। कई बार बुरा लगता है किसी को, कहते हुए मुंह ढक के बात कर, लेकिन बोलना पड़ता है, क्योंकि 138 करोड़ के देश में अगर ज्यादा लोग बीमार हो गए तो अस्पताल भी नहीं मिलने, बिस्तर भी नहीं मिलते। बिस्तरों की कैपेसिटी भी बढ़ाई, अस्पताल की कैपेसिटी बढ़ाई। जो पीपी किट दुनिया से इंपोर्ट करते थे, हमने 4 महीनों के अंदर हिंदुस्तान की काबिलियत देखी है। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। हिंदुस्तान के लोगों आज 5 लाख पीपी किट एक दिन में बनाते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बना तो भारत बन गया। ये मोदी जी का सपना था आत्मनिर्भर भारत बनाना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण जिन पर बार बार बात की जा सकती है, लेकिन आज मैं केवल इतना ही कहने आया हूं, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जहां गलती करूं बंद कमरे में बैठाकर बताइए भी कि गलती हो गई, आपका मेरे ऊपर अधिकार है, अधिकार के साथ बात कीजिए। और खुशी के समय तो आप सदा इकट्ठे होते ही, और मैं चाहता हूं आज अष्टमी भी है, कल नवमी होगी, नवरात्रों की भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दिवाली से पहले तो मैं विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा ही, तो एक बार फिर आप सबसे मिलने का अवसर मिलेगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ विपिन साजन की रिपोर्ट।